आज ही के दिन अरुणा आसफ अली, जो कि एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं, उनका जन्म हुआ था। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भी वह राजनीति में हिस्सा लेती रहीं और 1958 में दिल्ली की मेयर बनी। 1960 में उन्होंने सफलतापूर्वक मीडिया पब्लिशिंग हाउस की स्थापना की। अरुणा आसफ अली के योगदान को देखते हुए 1997 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुणा आसफ अली का जन्म अरुणा गांगुली के नाम से 16 जुलाई 1909 को ब्रिटिश कालीन भारत में बंगाली ब्राह्मण परिवार में पंजाब के कालका ग्राम में हुआ था। उनके पिता उपेंद्रनाथ गांगुली एक रेस्टोरेंट के मालिक थे। उनकी माता अंबालिका देवी त्रिलोकनाथ सान्याल की बेटी थीं। अरुणा की पढ़ाई लाहौर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में पूरी हुई। ग्रेजुएशन के बाद कलकत्ता के गोखले मेमोरियल स्कूल में वह पढ़ाने लगी। वहाँ उनकी मुलाकात आसफ अली से हुई, जो इलाहाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता थे। 1928 में अपने परिवार के विरोध के बावजूद उन्होंने सितंबर 1928 में विवाह कर लिया। आसफ अली से विवाह करने और महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह में शामिल होने के बाद वह कांग्रेस पार्टी की एक सक्रिय सदस्य बनी। हिंसात्मक होने की वजह से उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था और इसीलिए 1931 के गांधी इरविन समझौते के बावजूद उन्हें छोड़ा नहीं गया। लेकिन कैद बाकी महिलाओं ने उनका साथ देते हुए कहा कि वे तभी जेल छोड़ेंगी जब अरुणा आसफ अली को भी रिहा किया जाएगा। लोगों के भारी सहयोग को देखते हुए आखिरकार अधिकारियों को अरुणा आसफ अली को रिहा करना ही पड़ा। 1932 में उन्होंने तिहाड़ जेल में अपनी विविध मांगों को लेकर भूख हड़ताल भी की थी। उस समय तिहाड़ जेल की स्थिति अत्यंत दयनीय होने के कारण उनकी भूख हड़ताल से तिहाड़ जेल में काफ़ी सुधार हुए। बाद में वह अंबाला चली गईं। महात्मा गांधी के आह्वान पर 1942 में हुए भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, जब सभी प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिए गए तो उन्होंने अद्भुत कौशल का परिचय दिया और 9 अगस्त के दिन मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में तिरंगा झंडा फहराकर अंग्रेजों को देश छोड़ने की खुली चुनौती दे डाली। आपातकाल के बाद भी कई आपत्तियों का सामना करते हुए भी वह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के काफ़ी करीब रहीं। अरुणा आसफ अली ने 29 जुलाई 1996 को 87 वर्ष की आयु में आखिरी सांस ली। आज अरुणा आसफ अली भले ही हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके कार्य और उनका अंदाज आने वाली पीढ़ियों को सदैव रास्ता दिखाता रहेगा। उन्हें यूं ही स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी नहीं कहा जाता है।